अस्सलामुअलैकुम, यह है खबर की दुनिया। मैं हूं सैयद आयशा नास। यहां वक्त हुआ है दुनिया हेडलाइंस का। सदारती इलेक्शन के लिए जोर तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी का वफद आज मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। इमरान खान लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का खुर्शीद शाह से राबता। चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत और ममनून हुसैन की हिमायत के लिए दरख्वास्त। खुर्शीद शाह का कहना है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही बेहतर है। सखर की बेराज कॉलोनी में आईएसआई के दफ्तर पर हमला, इमारत मुनहदिम। हसास इदारे के दो अहलकारों समेत तीन अफराद जान बहक। तीन दहशतगर्द मुकाबले में हलाक, दो ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तौकीर सादिक की गिरफ्तारी पर आने वाले अखराजात और जिम्मेदारों के तायुन के बारे में नैब रिपोर्ट दुनिया न्यूज को मौसूल। साबिक चेयरमैन ओगरा की गिरफ्तारी पर नैब के 38 लाख रुपए खर्च हुए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पांचवें वनडे में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 4 विकेटों से शिकस्त दी। सीरीज में 3-1 से कामयाबी। मिसबाह उल हक मैन ऑफ द सीरीज करार। वजीर आजम की टीम को मुबारकबाद। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान ने शहरियों की निगरानी के प्रोग्राम को जारी रखने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी एजेंसी शहरियों के फोन कॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल कर सकेगी। स्पेन में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 60 हो गई, 131 मुसाफिर जख्मी। और महंगाई के सताए बरतानवी खानदान ने घर बेचकर कश्ती में डेरा डाल लिया।